देखिए, केवल अच्छे प्रोफेसर या टीचर से पढ़ने से ही तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। एक बार जरा पीछे मुड़कर देखो, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, जो भी आपने पढ़ाई किया है, या लगता है आपको जिस स्पीड से आपने पढ़ाई किया है, लेक्चर कंप्लीट हुआ है, सिलेबस कंप्लीट हुआ है, वीडियो करके आपने किया है, जरा उसको पीछे मुड़कर देखो। आप क्लास में जो हो रहा है उसको छोड़ो, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है उसको छोड़ो, स्कूल में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है उसको छोड़ो, ट्यूशन में आपका अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है उसको छोड़ो, सारा कुछ छोड़ो, आप कोचिंग में भी क्या हो रहा है उसको छोड़ो। आपको सिर्फ यह देखना है कि आपको किस लेवल पर आ रहा है, समझ रहे मेरी बात है, आपको कितना आता है। क्या सिर्फ आप रट्टा मार के गए हैं या कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस सिर्फ करके जा रहे हैं? लॉजिक को पकड़िए। अगर आपको प्रूफ नहीं आता है तो इसका मतलब है आप इंजीनियरिंग किए ही आपने नहीं है, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही नहीं है, वो आप एस्पिरेंट ही नहीं हो, जेई के नीट के भी एस्पिरेंट नहीं है, क्योंकि आपका लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए। आपको जिस लेवल पर आ रहा है क्या वो सफिशियंट है कॉम्पिटिशन के लिए? खुद से सवाल पूछो, मेरी बात सुनो, किसी भी कोचिंग, किसी भी वीडियो, यूट्यूब, इन सब का काम है ही नहीं सिलेक्शन करवाना। अच्छा मुझे खुद बताओ, एक कोचिंग में अगर 10 बच्चे चले गए और 10 बच्चे का सिलेक्शन अगर हो गया तो कोचिंग वाला भूखे मर जाएगा? नहीं, बोलो, उसका काम ही नहीं है सिलेक्शन करवाना। हाँ, उस अगर उसके पास 100 बच्चे आते हैं तो उसका 1% या 2% या 5% बच्चों का सिलेक्शन करवाना उसको है, उसके लिए वो जी जान लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो 5% दिखा के 95% बच्चों को बुलाएगा और उससे फिर पैसे लेगा वो। तुम उठा के देख लो, आप लोग कह रहे नहीं सर आजकल यूट्यूब में फ्री में सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, आप भी जल्दी जल्दी कोर्स स्टार्ट कीजिए आज जी, सर ये कीजिए आगे, मैंने इस क्लास, सर मुझे क्या कहते, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ड्रॉपर का क्लास स्टार्ट कर दीजिए, सर मेरा 11th का मैथ कर दीजिए, 12th का मैथ कर दीजिए, सर 11th का फिजिक्स कर दीजिए। पहली बात जान लो, जहां पे रोज नए नए कोर्स निकल रहे हैं वो समझ लीजिए कि आपको एक ठगने का सुपर तरीका है, बिल्कुल। क्योंकि देखो, अगर रोज नए नए कोर्स निकल रहे हैं, 20 दिन में सिलेबस खत्म करो, 15 दिन में कंप्लीट करो, 45 डेज में ये क्रैश कोर्स कर लीजिए, अरे भाई 60 डेज का जो मेरा क्रैश कोर्स है उसको भी वीडियो उठा के देखोगे, उसमें भी क्लासेस जो हुई हैं गौर करके देखना, वो अप्रोक्सीमेटली 120-130 आवर्स के इक्वल है या नहीं? इतना टाइम चाहिए। मैं बहुत ज्यादा पढ़ाता हूं, मैं जानता हूं बहुत ज्यादा पढ़ाता हूं मैं, और मैं उसी बच्चे को इनवाइट करता हूं कि जिसको ज्यादा पढ़ना हो। अगर सिर्फ आप कोचिंग आने के लिए आ रहे हो, ट्यूशन पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो तो मत आओ मेरे पास, बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ाना चाहता हूं मैं, लेकिन हां वो क्वालिटी मैं देना चाहता हूं, मैं शास्त्रार्थ की प्रक्रिया को जीना चाहता हूं। मैं कहता हूं अगर कोई चैप्टर आपको आता है तो रियल में आना चाहिए, यस और नो, रियल में आना चाहिए, उसका टॉपिक आना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। ये नहीं कि ये क्वेश्चन कर लो जी ये फॉर्मूला हो गया, ये जैसे यहीं पे देख लीजिए फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का ये हो गया Q = ये क्यों हुआ ये तो पूछो पहले अपने टीचर से, क्यों हुआ सर, वाई Q = MC∆T, गिव प्रूफ। सर काइनेटिक एनर्जी ½mv² क्यों हुआ, उसका प्रूफ दीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये वर्ड थोड़ा सा टफ है लेकिन मैं फिर कहता हूं, बहुत सारे कोचिंग का काम सिलेक्शन करवाना है ही नहीं। बहुत सारे जो भैया बने हुए हैं, बहुत सारे जो टीचर हैं, ठीक है, जिनसे किसी से आप प्यार से जुड़े हुए हो, किसी से आप बिजनेस की तरह जुड़े हुए हो, याद रखिएगा बहुतों का आप कस्टमर हैं। आप कहते हैं सर फ्री में बहुत कुछ दिया हुआ है, मैंने भी बहुत कुछ फ्री में दिया है, पूरी कोर्स अभी तक नहीं दी है मैंने, हाँ सिर्फ 60 डेज वाला जो है वो मैंने पूरा कोर्स आप लोगों को दिया है, उसमें भी याद रखना, उसमें भी बहुत कुछ मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। क्यों जानते हो? क्योंकि उतना तुम कर ही नहीं पाओगे,
यस और नो, उतना तुम कर ही नहीं पाओगे, इसलिए मैंने थोड़ा बचा लिया है। तो तुम ना, पहली बात बताता हूं, जब तुम्हें लगे ठीक है कि मेरा इलेवेंथ खराब हो गया, अब मैं ट्वेल्व में करूंगा, तो पहले रुक जाओ भाई, पहले यह तो पता करो कि इलेवेंथ में तुमने कहां किया था जिसके कारण तुम्हारा खराब हुआ। कहीं तुम में तो खराबी नहीं है, तुम वो मेटेरियल ही नहीं हो, ऐसा तो नहीं कि तुम हाथी हो और तुम चाहते हो बंदर की तरह पेड़ पे चढ़ जाऊं। ठीक है, ठीक है, तुम एक्चुअल में जानते हो, थोड़े दिन टाइम अपने आप को देखकर देखो कि तुम रियली में बंदर बन सकते हो या नहीं। समझ रहे मेरी बात है? कहने का मतलब यह है कि टाइम निकाल के पहले आप, हिंदी में कहते हैं आत्मावलोकन कीजिए, ठीक है, खुद से अपने आप को वेरीफाई करो, ठीक है, अपने को, मतलब अपने को पहले चेक कीजिए। और सबसे पहली बात है ये, रोज नए नए कोर्स जो ज्वाइन निकल रहे हैं और हजार लाख देखोगे टीचर भरे पड़े हैं, पहले उनसे आप उनको चेक तो करो कि वो टीचर होने लायक हैं या नहीं। किसी ने पढ़ लिया, अगर इलेवेंथ पास हो गया कोई तो सर वो इलेवेंथ का टीचर बन गया जी, किसी ने जेई अभी निकाल लिया है तो जेई का टीचर बना हुआ है। मैं फिर से बताता हूं, मैंने पहले भी कहा था, टीचर बनने के लिए हमेशा अपने आप को तपाना पड़ता है। एक प्रोफेसर टीचर, ये दोनों एक ही हुए कह सकते हैं, डिफरेंस तो है लेकिन जनरली प्रोफेसर टीचर जो हुए, डॉक्टर लॉयर, ये सब सारे हमेशा पढ़ने वाले होने चाहिए। और हमेशा वो अपने आप, क्या कहते हैं, वो जितना रिफाइन करेंगे ना उतना वो रिफ्लेक्ट होगा बच्चों में। तो हमेशा इस बात को जान लो कि अभी तक अगर आप सोच रहे हो कि इस ईयर आपका खराब हुआ है, एक टीचर ने आया मोटिवेट कर दिया आपको, पंप कर दिया, ठीक है, नहीं अब मेरा अच्छा हो जाएगा, याद रखना जरूरी नहीं है कि अच्छा होगा, बहुतों का खराब होगा, बहुतों को मैं देखता हूं। जानते हैं, एक चीज बताता हूं, पहले क्या होता था, मैं बहुत बार देखता था कि पहले कुछ टीचर होते थे बच्चे को इंगेज रखते थे, ठीक है, या बहुत बार क्या करते थे, क्लास लेते नहीं थे। और आजकल मैं देखता हूं कि बहुत सारे टीचर बहुत सारी क्लासेस लेते हैं और इंगेज रखते हैं बच्चों को, कुछ ना कुछ वीडियो तुमको दे देंगे, कुछ ना ये कर लो जी, नहीं हुआ तो मोटिवेशन उठा स्टार्ट कर दिया उन्होंने। आपको जानते हैं बचपन में जब आप पैदा हुए थे ना, आपकी मदर और फादर ना, मुंह से एक ही बात निकली होगी, मीडियम फैमिली की मोस्टली निकलती है, या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। क्यों? वो रियल में डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते थे, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। डॉक्टर इंजीनियर बनने का क्या फायदा होता है पता है? आपका लॉजिक बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, यस और नो? यस, लॉजिक बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, आप ना लाइफ को समझने लगते हो। बताओ 16-17 साल का लड़का, यही ना उम्र होगी, हाँ तुम 18 के हो, अच्छा हाँ भाई 16-17-18 वही हुए भाई। अगर इस एज के बच्चे को, ठीक है, अगर क्या कहते हैं, बहुत अच्छे कॉलेज में बहुत कम मेहनत पे अगर मिल जाए, समझो कि उसके साथ कितना, मन क्या कहते हैं, गुड बातें हो रही है, अच्छी बातें हो रही है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको एक अच्छा टीचर, एक अच्छा प्रोफेसर चाहिए ही चाहिए, जिनका मेन काम पढ़ाना हो, जो आपके साथ बैठ के पढ़े, या नहीं बैठ के पढ़े तो आपके साथ कम से कम रह के पढ़े, और जिस लेवल पर वो पढ़ा रहे हो वो टफ लगेगा, इजी तो लगना ही नहीं चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इजी ही इजी चलता रहे, आप इजी इजी में सब कुछ तुम सीख लो, तो इसका मतलब है तुम सीख नहीं रहे हो। आपको बहुत ज्यादा इजी नहीं लगना चाहिए, हां यह भी नहीं है कि आपके ब्रेन में ही नहीं आए, यह भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बात बताता हूं, तुम कहोगे कि सर अब हमें करना क्या चाहिए, कैसे पहचाने? जानते हो सबसे बड़ी बात, मुझे सबसे ज्यादा दया किस पे आती है पता है? पेरेंट्स पे सबसे ज्यादा दया आती है आजकल, ठीक है, रियल बता रहा हूं।
खुद मुझे बताओ, तुम भी कभी पेरेंट्स बनोगे, देखना, सबसे पहले तुम लोगों को खिलाया पिलाया जाएगा, जाहिर है, ठीक है, बुक्स दिया, कपड़े दिए, वो भी जो कहते नहीं है कि घर दिया, कपड़े दिए, वही ना होता है जी, ठीक है, भोजन दिए आप लोगों, भोजन वस्त्र आवास वही जो कहते हैं वो सारे दिए। इसके बाद हेल्थ के लिए आप लोगों को डॉक्टर, जब दिक्कत हुई तो डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद उन्होंने फिर एजुकेशन पे पैसा दिया। खुद समझना, स्कूल में स्कूल के लिए तुम्हें भेज दिया गया, ठीक है, हर मंथ पैसे जा रहे हैं स्कूल में भी, एडमिशन फी, प्रोग्रेशन फी, क्या क्या बहुत कुछ चलता रहता है। तुमको ठंडी ना लगे तो स्कूल में हीटर बहुत लोग चला देते हैं, उसका भी पैसा तुम्हारे 10 खर्च करते हैं, 20 तुम्हारे पापा के पॉकेट से ही जा रहा है। गर्मी के दिन में फैन चला दिया, एसी का रेट लिया जा रहा है, सब पापा के पॉकेट पे अटैक है। एसी भी अगर चल रहा है तो 10 का एसी लग रहा है तो तुम्हें 20 रुपया का खर्च दिया जा रहा है, यही ना होता है। लास्ट बार पेरेंट्स से भी मेरी मीटिंग हुई थी, जब बहुत सारे पेरेंट्स यही कहते थे, सर मैं करूं क्या। और मैं अपने सेमिनार में यही चीजें बोलता हूं कि जरा उस पेरेंट्स की तरफ मुंह करके देखो। कहते हो ना सर पढ़ने मन नहीं लगता है, सर रात में नींद आने लगती है, सर क्वेश्चन, मैं कहता हूं ना कि 50 पेज करके भेजो, 100 पेज क्वेश्चन करके, कम से कम 150 क्वेश्चन करके भेजो। और तुम कहते हो नहीं सर मैं 2 होमवर्क करूंगा, वो यूट्यूबर बने वे टीचर सब हैं जो 2 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, और वो मैं 2 करके, वो 2 क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं कि कम से कम आप रिप्लाई करोगे तो यूट्यूब उसके वीडियो को ज्यादा प्रमोट करेगा। लॉजिक पकड़ो अंदर की, समझ रहे मेरी बात है। वो इसलिए लाइक को बार बार लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बार बार बोलते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे यूट्यूब उतना प्रमोट करेगा, उतना पैसा उनका बनता चला जाएगा। एक एक टीचर को देखते हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं, अरबों में कमा रहे हैं। अरे भाई अगर आपने उसका 10% भी अच्छा से रिजल्ट दिया होता तो इतने बदनामी अब नहीं हो रही होती जितना हो रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, देखना, बहुत सारे अच्छे अच्छी कंपनियां थी पहले टॉप में पहुंच गई थी, अब सारे कहते हैं कि लॉस में चल रहे हैं। जरा गौर करके देखना, ये सब किसी और दिन बातें करेंगे, मैं अभी की बातें बता रहा हूं कि पेरेंट्स वाली बात कर रहा था कि सबसे बड़ा, जानते हैं, सबसे सताया हुआ आदमी अगर है कोई तो पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स मैं बोल रहा हूं, मदर फादर दोनों की बात कर रहा हूं। उन्होंने तो समझो अपने शौक और मान को क्या किया है, उन्होंने बहा दिया है, छोड़ दिया है भाई। वो जी किसके लिए रहे पता है, वो रियल में आप लोगों के लिए जी रहे। तो पहली बात है, वो स्कूल में फीस दिया, उन्होंने सोचा कि मेरा बच्चा निकल जाएगा जी, अब मेरा बच्चा पढ़ लेगा। उसके बाद टीचर को, उसके बाद बुक वगैरह वो सब सारा चल रहा है, फिजिकल चीजें में सारी चीजें आपको दिया जा रहा है। उसके थोड़े दिनों बाद पता चला कि आपने कहा कि पापा मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, ठीक है मम्मी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, या मुझे कोचिंग लेनी है। एक अच्छा सा कोचिंग में उन्होंने भेज दिया आपको, जहां 2-2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया दे दिया, आजकल 10,000-20,000 दे दिया, और कुछ जगह ऐसे हैं जो 2,000-3,000 में कहते हैं कि पूरा कोर्स ही करा देता हूं मैं, ठीक है। वो अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, वो मैं नहीं कह रहा, वो तो किसी और दिन बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूं, अब वहां पे तुम्हें ज्वाइन करा दिया गया, पैसा दे दिया गया। अब आप क्या देख रहे हो, थोड़े दिनों बाद कहते हो पापा वहां जो पढ़ा रहे वो समझ नहीं आ रहा है, या पढ़ा रहे तो फिर क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो रट्टा मार लिया है पर हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, रिजल्ट में नहीं रिफ्लेक्ट होता है। भले रिजल्ट में ना रिफ्लेक्ट हो, थोड़ा कम आगे पीछे हो, कोई बात नहीं है, पर वो टॉपिक तो आपको आने चाहिए। आजकल बहुत सारे बच्चे, याद रखना, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आजकल जो मतलब क्या कहते हैं, शिक्षा सब जगह है लेकिन वो बिखरा हुआ है। लेकिन याद रखना, वो मतलब क्या कहते हैं, वो शिक्षा का लोगों में अभाव है, आज ज्ञान की ना बिल्कुल कमी है। कोई चैप्टर उठा के ले लो,
तुम अप छोड़ो, अपने एक टीचर को के साथ जो फ्रेंड टाइप का हो उन्हीं को उठाओ, जैसे मैं करता हूं बच्चों के साथ। आप लोगों ने सीनियर आपके भैया के साथ भी हुआ था, ठीक है, कि कोई एनएलएम ले लीजिए, एक चैप्टर ले लिया एनएलएम जी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, कोई दूसरा ले लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक ले लो, किसी और चैप्टर को ले लीजिए, केटीजी ले लीजिए, ठीक है, मैथ्स में कोई ले लो, इंटीग्रेशन ले लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ले लीजिए, प्रोबेबिलिटी ले लीजिए, वो एक चैप्टर लेके टीचर के साथ फ्रेंड की तरह बैठ जाओ। पूछो सर मुझे इसमें लॉजिक बताइए, क्वेश्चन तो बाद में कर लेंगे, रटना नहीं है मुझे, हाँ याद कर लेंगे वो जब देख लेंगे कि पहले लॉजिक समझ में आ जाएगा फिर याद कर लेंगे, यही ना। देखोगे क्या हालत होगी, बहुत कम है, रेयर है। तो फिर से रिपीट करता हूं मैं, आप कहां कहां पैसे दिया गया स्कूल में, फिर कहां दिया गया जी कोचिंग में। कोचिंग में जब नहीं हो रहा था, ठीक है, कुछ दिक्कतें आने लगी, फिर आपका ऑनलाइन, पहले तो फिजिकल कोचिंग, फिर ऑनलाइन कोचिंग दिया, रिकॉर्ड कर देते हैं तुम देख लेना। पहली बात बताता हूं मैं, वो जो वीडियो तुम देख रहे हो वो सारी बुक्स में पड़ी हुई है भाई, उसी बुक से सिलेक्शन हुआ। कैसे सिलेक्शन होता है हम लोगों का, पहले के टाइम में नहीं था यूट्यूब, क्या सिलेक्शन नहीं होता था क्या? याद रखना पहले के बच्चे ज्यादा पढ़ते थे, ज्यादा रिजल्ट होता था, ज्यादा नॉलेज होते थे, समझ रहे मेरी बात है? तो अब बहुत सारे को जो मैंने देखा है, ठीक है, उनके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो अब वहां भी उन्होंने पैसा दे दिया, फिर उसके बाद होम ट्यूशन आए, वहां भी पैसा दे दिया गया, और एंड ऑफ द डे आपको नॉलेज नहीं मिला। तो मैं फिर से कहता हूं कि ऐसे टीचर या प्रोफेसर को चुनिए जिनका लॉजिक बहुत स्ट्रांग हो और 70-80% तक रिजल्ट हो, और रिजल्ट कम ज्यादा भी हो तो चले, लेकिन यह नहीं कि 100 में से एक या दो बच्चे का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है?